साले मारने वाले मर गए, ऐसी मौत देंगे ना कि यमराज देख के खुद डर जाएगा, समझा? मुझे मेरी आराध्या चाहिए शमशेर। कब तक खेल लेगा उसे मुझसे? कभी ना कभी तो मेरे पास आएगी ना। प्यार करती है वो मुझसे और मैं उससे। जबरदस्ती शादी की है तूने उससे, और ये शादी कोई शादी नहीं होती। प्यार मैं करता हूँ उससे और उसे वापस पाके रहूंगा। शादी शादी होती है, एक बार अगर लड़का लड़की उस शादी को मान ले कोई बीच में नहीं आ सकता। आखिरी बार बोल रहे, दूर हट जा वरना उल्टा टांग के गोली मारेंगे। तो ठीक है, तू अपनी सिद्ध पे अड़, मैं अपनी सिद्ध पे अड़ूंगा। हमारे प्यार को अंजाम या तेरी मौत देगी या मेरी मौत। ये ऐसे का घूर रहा है? अर्जुनवा ने कुछ बता तो नहीं दिया? साला हमारा राज खुल ना जाए कहीं। अर्जुन से क्या बात कर रहे थे? अब पूछ रहा था भाई, किसका साथ देंगे? क्या कहा आपने? कहना कहा? अब बताइए, धर्म का साथ देंगे, जो सच्चा उसका साथ देंगे। तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत टेंशन है भाई, इन दोनों के चक्कर में हम ना लग जाए। भाभी, I'm so so happy for you. आज शमशेर भैया ने आपका साथ जो दिया है, और पता है वो पहली बार आजी अम्मा के खिलाफ गए और उन्होंने आपको घर से जाने से भी रोक दिया। क्या हुआ आपको? अंजलि, मैंने साबित तो कर दिया कि मैं निर्दोष हूँ, और जो कुछ भी ये सब हो रहा था और चल रहा था उस सब के पीछे आजी अम्मा और अर्जुन का हाथ है। अंजलि, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज इस घर में भाई भाई पे बंदूक तान रहा है, एक दूसरे की जान लेने की बात कर रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी भाभी, शमशेर भैया का गुस्सा दूध के उबाल की तरह है, जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है, और वो अर्जुन भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आई नो अंजलि, शमशेर अर्जुन के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, मुझे अर्जुन का नहीं भरोसा, उसमें पागलपन छाया है। वो अपनी चीजों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझे तो बस शमशेर का डर है, उन्हें कुछ होना चाहे, पता नहीं क्या तूफान आ जाए। कोई तूफान नहीं आने वाला। मुझे कुछ काम याद आ गया भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें अर्जुन के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा लो और चेक कर लो कि सारे सीसीटीवी कैमरास वॉकिंग कंडीशन में है कि नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, मुझे बहुत डर। हमें कुछ भी नहीं होगा। कितना बोलती है तुम, भगवान ने जबान दी तो बस बड़ 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 बोलते जाएगी। और एक बात, मैंने इसीलिए अर्जुन को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और मैं नहीं चाहती कि तुमसे कुछ गलत हो जाए, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो वो ये मतलब, अब सफाई क्यों दे रही? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू किस तरीके की लड़की है। किस तरीके की लड़की हूँ? बोलो। तेरे जैसी लड़की इस दुनिया में और कोई भी नहीं, कोई हो भी नहीं सकती। हम बांधे, हमारे लिए बदतमीजी करना बहुत आसान है। अच्छा, जब भी जैसे उल्टी सीधी बात करी बस थोड़ा थोड़ा बोर्ड ले चले गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं है। लेकिन आज अगर कुछ अच्छा कहना है तो हमारे पास अच्छे शब्द ही नहीं है, और अच्छे शब्द कभी रहे भी नहीं है। हर चीज को बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है, और मैं जानती हूँ हमारा रिलेशनशिप कितना उतार चढ़ाव से गुजरा है, इसीलिए सब चीजों को नॉर्मल होने के लिए टाइम तो लगेगा ना, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब बिना कहे ही एक दूसरे को समझ जाएंगे। ऐसे ही होता है एक सच्चे रिश्ते में। कैसे कर लेती तू इतनी बातें, कैसे कर लेती ये सब रिश्ते? समथिंग इतनी चोटे खाने के बाद भी इस रिश्तों में कैसे कर लेती तू?
वैसे हमसे तो एक खास रिश्ते में कुछ गलत करने के बाद सॉरी नहीं, मैं आई एम सॉरी। मत बोलो सॉरी, आई नो व्हाट यू फीलिंग। मुझे पता है तुम दिल से क्या फील कर रहे हो, इसलिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है।